सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले में एम्बुलेंस कर्मी की पिटाई के विरोध में जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नालंदा पुलिस अधीक्षक एवं सदर SDO ने आश्वासन दिया सभी एम्बुलेंस कर्मियों को। उसके बाद सभी एम्बुलेंस कर्मी आज से हड़ताल को खत्म कर दिए हैं। जी हां, जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि नालंदा के पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार एवं सदर SDO ने हड़ताल पर गए हुए जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मियों को दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद सभी एम्बुलेंस कर्मी अपने काम पर वापस लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि गुरुवार के दिन रहुई के एक एम्बुलेंस कर्मी मनीष कुमार की भागन बिगा थाना पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी। पिटाई से गुस्सा होकर जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। और कल जो जिले से तस्वीरें आई, ठेले से एक सब को घर ले जाया गया। उसके बाद नालंदा पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एम्बुलेंस कर्मियों को आश्वासन दिया कि जो भी पुलिस कर्मी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद सभी एम्बुलेंस कर्मी अपने स्ट्राइक को समाप्त कर दिए हैं और वापस अपने काम पर लौट गए हैं। नालंदा जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए यह खुशखबरी है कि जो भी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए थे वो वापस अब काम पर लौट गए हैं। दोस्तों, हम लगातार अब तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमारी जनादेश समागम मासिक समाचार पत्रिका भी अपने पते पर हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।